नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, आज मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग समाज के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही अचंभे वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती चुनाव जो होने जा रहे थे, जो नियम के हिसाब से तो सन 2020 में ही होने वाले थे ये चुनाव, वो चुनाव टलते टलते आज 2022 आ गया। और आज 2022 में भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने लेकर आया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए किस तरह से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो खुद को पिछड़ा वर्ग के मसीहा समझते थे, उनकी वजह से आज मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज को, पिछड़े वर्ग समाज को पंचायती चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। जी हां साथियों, जो फैसला जबलपुर हाई कोर्ट ने सुनाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो ट्रिपल टेस्ट था उसे कराने में नाकामयाब रही। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है, वो ट्रिपल टेस्ट कराने में नाकामयाब रही। हम मध्य प्रदेश सरकार को इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं और मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को ये आदेश देते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। तो देखा साथियों किस तरह से आज मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग का मसीहा कहते नहीं थकते, आज उन्हीं की नाकामी की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग समाज को आरक्षण का फायदा पंचायती चुनाव में नहीं मिल पाएगा। ये कितनी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग समाज का हो और उसी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों को तमाम तरह के उन चुनावों में आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा जो अभी तक लगातार मिलता आ रहा था। और देखिए साथियों, सबसे अचंभे वाली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उन पार्टियों को बाधित नहीं करते जो पिछड़ा वर्ग समाज का समर्थन करते हैं, पिछड़े वर्ग के समाज से समर्थन से चलते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी सामान्य सीट पर पिछड़े वर्ग को चुनाव लड़ा सकती है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी सामान्य सीट पर केवल सामान्य कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि जो तमाम राजनीतिक दल चाहें तो सामान्य सीट पर पिछड़े वर्ग को चुनाव लड़ा सकते हैं। देखिए साथियों, कितने आसानी से पिछड़े वर्ग को एहसास करा दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हमारे केवल टुकड़ों पर पल सकते हो, और अगर देश का ये ब्राह्मणवादी तंत्र नहीं चाहेगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तर्क देने का क्या मतलब, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि वो कहावत कही गई है कि बासी रोटी में खुदा के बाप का क्या। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके यहाँ पे शाम का भोजन रखा हुआ है, तो इसमें खुदा क्या कर लेगा। ये तो उसके मेहनत से जो उसने बचा हुआ था वो उसका है। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे रवैया हमें देखने को मिला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी चाहे तो पिछड़े वर्ग को चुनाव लड़ा सकती हैं। अरे भाई, पिछड़े वर्ग को चुनाव क्या लड़ा सकती हैं? पिछड़े वर्ग को राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव ही नहीं लड़ाएंगी, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। जहाँ पर पिछड़ा वर्ग ज़्यादा संख्या में, वहाँ पर जनरल चुनाव जीत ही नहीं सकता। तो ये तो उनकी मजबूरी है जो पिछड़े वर्ग को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। लेकिन आज जो पिछड़े वर्ग के साथ में जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा, और ख़ास करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाकामी की वजह से, यह पूरे पिछड़े वर्ग समाज और पिछड़े वर्ग के राजनेताओं के लिए बहुत ही निगेटिव न्यूज है। आगे पिछड़े वर्ग के नेताओं को सोचना होगा कि आखिर ये ब्राह्मणवादी सिस्टम से कैसे लड़ सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर के बयान दिया है, और पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर कहा है कि मुझे अभी इस आदेश की विस्तृत जानकारी नहीं है, मैं आगे इसको पढ़ करके तब मैं इसका ठीक से जवाब दे पाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि मैं इस मामले की रिपिटिशन जरूर करवाऊंगा और बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायती चुनाव नहीं होने दूंगा।
तो मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट होने थे तब आपकी सरकार नाकाम क्यों रही, आप क्यों वो तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट को मुहैया नहीं करा पाए जिसके आधार पर पिछड़े वर्ग समाज को पंचायती चुनाव राज्य में आरक्षण मिलना था। साथियों, आपकी इस खबर पर क्या राय है अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें कि जो देश के अंदर दलित पिछड़ों के साथ जो सिस्टम का रवैया है वो वाकई दलित पिछड़ों के साथ साथ आदिवासी, बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज को, मूलवासी समाज को सोचने पर मजबूर करता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।